नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वह बहुत ही विस्फोटक खबर है। आज जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वह मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन खबरों की जड़ तक पहुँच कर हम निकाल लाते हैं ऐसी ऐसी खबरों को जो कि बिहार के सारे लोगों के लिए ज़रूरी है, जाननी ज़रूरी है और उस पर जो है कि सवाल खड़े करते हैं हम, जिसका जवाब सरकार और समाज के समक्ष सरकार से मांगा जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो ऐसी ही एक महत्वपूर्ण खबर आज हम लेकर आए हैं जिसे आपको दिखाएंगे और सारी बातें बताएंगे और फिर पूछेंगे सरकार से कि बिहार की 12 करोड़ जनता को जवाब देने का कार्य बिहार की यह सरकार करे। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, लाइक करना अत्यंत ही आवश्यक है, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, बिहार में जो है कि अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार के संविदा कर्मी, बिहार के पंचायत प्रतिनिधि जिनमें सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य और जो है कि छोटे छोटे बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जिनका नाम गिनाए तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, उन संविदा कर्मियों का वर्षों से मानदेय लंबित है और सरकार के तरफ से जब भी ये संविदा कर्मी रोड पर उतरते हैं या अन्य संसाधनों के माध्यम से अपने बकाए मानदेय का मांग करते हैं तो सरकार कहती है कि बिहार एक गरीब राज्य है और ऐसे में जो है कि बकाया रहना लाजमी है क्योंकि बिहार के पास जो है कि पैसे की कमी है। तो इसी सवाल को लेकर हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि यह जो पैसे की बर्बादी सरकार कर रही है जिसे बिहार की 12 करोड़ की जनता को जाननी अत्यंत ही आवश्यक है। बिहार की 12 करोड़ जनता तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। आप जान लीजिए बिहार सरकार का क्या जो है कि अभी कारनामा चल रहा है। बिहार में 3000 पंचायत सचिव नव नियुक्त हुए हैं। जी हाँ, बिहार में 3000 पंचायत सचिव के पदों पर बहाली हुई थी जिसमें उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और ये पंचायत सचिव बाजाबता जो है कि 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम था इनका, प्रशिक्षण लेकर जो है कि राज्य स्तर पर अब इनके दूसरे दौर की प्रशिक्षण की तैयारी शायद चल रही है या पुराने प्रशिक्षण का पैसा है। इसमें जो है कि 20,62,81,840 रुपये, बहुत बड़ी रकम है, किसी एक संविदा वर्ग के छोटे कर्मी के बकाए मानदेय का भुगतान इस राशि से आराम से किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ पंचायत सचिव के नाश्ते पर और उनके प्रशिक्षण पर खर्च करने के लिए। यह पत्र का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सरकार का कारनामा देखिए कि सरकार कह रही है कि जो है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में विभागीय स्वीकृता देश संख्या के तहत उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या इतना इतना के संप्रति वित्तीय वर्ष जो है कि पंचायत सचिवों को उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृता देश अधियाचना संख्या बताया जा रहा है, विकास संख्या जो है कि बताया जा रहा है और यहाँ जो है कि कहा जा रहा है कि पंचायत सचिव निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। पंचम राज्य वित्त आयोग अनुशंसा के देश तहत वित्तीय वर्ष नव नियुक्त पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 22-23 में उपलब्ध राशि में से कुल 20,62,81,840 रुपये मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो रुपया कितना है? 20,62,81,840 रुपये। अब बताइए, जो पंचायत सचिव प्रशिक्षण ले चुका है और उस पंचायत सचिव को क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा कि रिश्वत कैसे लिया जाता है? बिहार के सारे लोग जानते हैं कि बिहार में जो है कि सेकंड मुखिया पंचायत सचिव होता है जो कि सारे योजनाओं के लिए जो राशि आवंटित की जाती है उसमें बाजाबता जो है कि 5% कमीशन निर्धारित करके और कमीशन की वसूली करते हैं और ये लोग इतना पैसा एकत्रित कर लेते हैं, रिटायर्ड होने के बाद में 7 पुश्त इनके खाएंगे तो पैसे खर्च नहीं होंगे, इतना पैसा ये लोग कमाते हैं और इनको जो है कि प्रशिक्षण के नाम पर यहाँ आपको हम बताते चले 20,62,81,840 रुपये की आवंटन सरकार कर चुकी है। अब मेरे कहने का अर्थ यह है कि क्या प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा? ये इन लोगों को तो
करना वही है कि आकर जो है कि 5% की राशि की वसूली करेंगे और जो है कि विभिन्न योजनाओं में घपला करेंगे और साथ ही जो है कि क्या करेंगे, रिश्वतखोरी को बढ़ावा देंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और इसी में लिप्त रहकर अपना जीवन बिताएंगे और राशि हड़प कर जो है कि 7 पुश्तों के लिए राशि एकत्रित कर देंगे। तो फिर इतनी बड़ी रकम जो है कि सरकार इन पर क्यों खर्च कर रही है? और जब संविदा कर्मी और पंचायत प्रतिनिधि अपने हक की बात करते हैं तो वहाँ कहती है यही सरकार कि जो है कि देख लीजिए कि हमारे पास जो है संसाधन का अभाव है, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, बिहार एक गरीब राज है जिसके चलते हम जो है कि संविदा कर्मियों को, पंचायत के सरपंच और पंचों को समय पर जो है कि उनके मानदेय का भुगतान नहीं कर सकते हैं, मानदेय की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो यह इतना बड़ा जो है कि घपला सरकार के तरफ से होने जा रहा है जो कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। यह बात कतई बिहार के लोगों को स्वीकार नहीं है कि एक भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को प्रशिक्षण के नाम पर इतनी बड़ी सुविधा दी जाए। उन लोगों को एक ही प्रशिक्षण चाहिए, प्रशिक्षण देना है तो प्रशिक्षण यही दीजिए कि योजनाओं में 5% की राशि की कटौती कमीशन के नाम पर लेन देन का खेल है। बिहार सरकार अविलंब बंद करवाने का काम करे, कोई प्रशिक्षण नहीं, सारे शातिर लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, इन भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार के प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, यह जनता का खून चूसने का काम करते हैं। इन लोगों का जो है कि कार्य कुशलता इनकी कब छीन है, ये लोग कब कहीं से भी कार्य कुशल नहीं है और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं। बिहार की जाम जनता टैक्स देने का काम करती है, चाहे वह GST के नाम पर हो या जो है किसी सामान को खरीदते वक्त टैक्स लिया जाता है, पेट्रोल और डीजल के नाम पर जो है कि टैक्स लेने का काम यह सरकार करती है। कोई व्यक्ति गंजी खरीदता है, गमछा खरीदता है, साबुन खरीदता है, दवाई खरीदता है, उसका पैसा है यह, एक गरीब व्यक्ति के पैसे को सरकार इस तरह कुछ भ्रष्ट लोगों के सुख सुविधा पर खर्च करने का काम नहीं कर सकती है। सरकार को हमने आईना दिखाने का काम किया, इस वीडियो को जो है कि जितना शेयर कर सकते हैं, जितना लाइक कर सकते हैं लाइक कीजिए और बिहार के संविदा कर्मी और पंचायत प्रतिनिधि एकजुट होकर आंदोलन की तैयारी कीजिए। जिस रोज आप लोग एकजुट हो जाइएगा उस आंदोलन का नेतृत्व करने का काम हम स्वयं करेंगे यदि कोई आगे नहीं आएगा तो, और बिहार में जो है कि एक जनक्रांति की शुरुआत होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। तो आज के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के उदाहरण का पत्र हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने का काम करेंगे और साथ ही जो है कि बिहार सरकार को आगाह करने का काम करते हैं कि बिहार सरकार अविलंब बिहार के जितने छोटे छोटे संविदा कर्मी हैं जिनके मानदेय का जो है कि अभी भुगतान बकाया है उनके मानदेय का भुगतान करने का काम करे और उनको जो है कि जितना जल्द हो सके सारी सुविधाएँ मुहैया कराए, वरना जिस रोज संविदा कर्मियों का जो है कि जत्था मेरे चैनल से जुड़ जाएगा और सारे एकजुट हो जाएंगे वह दिन मैं बिहार सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।